जय साथियों, मैं बृंद सर। अभी आप सबका 8 तारीख को फिजिकल खत्म हो जाएगा SSCGD 2022 का। उसके बाद आप सबका मेडिकल का डेट आने शुरू हो जाएगा। तो कई लोग को नोकनी की समस्या होगी उसमें, यानी कि दोनों घुटने के बीच में गैप नहीं होगा जो गैप होना चाहिए, तो गैप नहीं होगा उनको। अगर समय से अपना देखेंगे नहीं कि हमको नोकनी की समस्या है कि नहीं है, तो एंड टाइम तक आपको हो सकता है रीमेडिकल दिया जाए और हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, अनफिट कर दिया जाए। तो इसलिए अपने घुटने को देख लीजिए, दोनों घुटनों के बीच में जगह अगर है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको नोकनी की समस्या है। अगर आपको नोकनी की समस्या है तो यह वीडियो हमारा आपको काफी मददगार साबित होगा। और इस वीडियो में जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर वो एक्सरसाइज आप करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको बहुत ही तेजी से फायदा मिलेगा। और 30 से 35 दिन तक अगर आप वो एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पास होने भर का तो आपका नौकरी लगभग ठीक ही हो जाएगा। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उस एक्सरसाइज को इंप्लीमेंट करें अपने अंदर, और आप 100% मेरा विश्वास है कि आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रात में आप सोने जा रहे हो तो उस समय अपने घुटने के बीच में एक पैर में तकिया बांध लें और फिर आप करवट लेकर सोएं, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। इसी को हम बताते हैं कैसे बांधना है, कैसे करना है। इस प्रकार से रख लें और किसी अंगूठी वगैरह से गमछा ले लें और इसको ये बांध दें ऐसे पैर को। पैर को बांध लें ऐसे इस प्रकार से, और आप अच्छी तरीके से इस प्रकार से सो सकते हैं। आपको सोना है करवट लेकर सोना है। तो आपका ये पैर जो है, पैर से पैर आपका घुटने से घुटना सटेगा नहीं और बीच में गैप रहेगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे काफी बच्चों को फायदा मिला है। तो इसी एक्सरसाइज को आप जो है लगातार 1 महीने तक आप इसको इंप्लीमेंट करें। अगली एक्सरसाइज हम बताते हैं आपको, आप इस तरीके से बैठ जाएं और अगर आपके साथ में कोई हेल्प करने वाला है तो फिर इस तरीके से बटरफ्लाई वाला पोजीशन बना के उस आप अपने हाथ से यहां पे पकड़ लें और उनसे बोले ये इसको प्रेस करके रखें। अगर कोई नहीं है तो आप इस हाथ से यहां पर पंजे से पकड़ें और इसको कोहनी से दबाएं, इसको कोहनी से जितना हो सके नीचे की तरफ दबाएं। या इस तरीके से आपको अगर नहीं ठीक हो पा रहा है तो आपका अगर यहां पर बैलेंस ये बन सकता है तो इसको यहां से प्रेस करें नीचे की तरफ। ये भी दूसरी एक्सरसाइज भी आपको बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगली एक्सरसाइज है, यहां पर आप अपने पैर को जब बैठना होता है तो इस तरीके से बैठते हैं, इस तरीके से नहीं बैठना है। इस पैर को पंजे को एकदम साइड में बाएं तरफ और इस पंजे को दाहिनी तरफ एकदम करना है और ये मिला देना है अपना दोनों पंजे को बाहर करके। उसके बाद धीरे 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 ये आप बाहर करके इसको बैठेंगे और साथ में इसको प्रेस करेंगे। इस तरीके से करेंगे आप एक आध मिनट तक, आप यहां पे होल्ड रखेंगे इस प्रकार से आप करेंगे। यानी कि देखिए सीधे करेंगे तो इस तरीके से होगा और आप इस पैर को यहां इधर रखना, इस पैर को इधर रखना है, ये करेंगे तो आपका इस तरीके से होगा। तो इसको दबाना है, इसको दबाना है और एकदम यहां पर पैर सीधा होना चाहिए आपका इस तरीके से। ये भी आपको तीसरी एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद होगी। अगली एक्सरसाइज है, आप बैठ जाएं और इस तरीके से आप जो है, अगर आपका कोई हेल्प करने वाला है तो उसको बोले यहां पे हल्का सा दबाएगा, अगर आप अकेले हैं तो अपना बैलेंस बनाएं और इसको जो है एकदम अच्छे से करें, या तो इसको
एक हाथ यहां पर लगा लें और इसको यहां पर दबा के रखें, ये भी आपको काफी मददगार साबित होगी, ये भी एक्सरसाइज आपके लिए। आप सबको बताना चाहता हूं कि जितना भी चीज का चेकअप होगा आपके बॉडी पार्ट का, हर एक चीज के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छा अच्छा टिप्स मैं आपको दूंगा एक्सरसाइज से ही, किस प्रकार से आपका आंख कान में दिक्कत है, दांत में है तो दांत में क्या कराना है, यानी कि हर एक चीज के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो दूंगा। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में शामिल करूंगा तो लगभग ये वीडियो 40-45 मिनट का बहुत बोरियत हो जाएगी, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो और अच्छा टिप्स आपको हर एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर, आपको जितना भी बॉडी पार्ट्स आपका उसमें चेक किया जाएगा सभी के ऊपर मैं एक एक वीडियो आपको बना कर दूंगा, आप देखिए। और अगर आपके अंदर वो चीज़ की दिक्कत है जिस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दूंगा, तो उसी तरीके से जैसे मैं वीडियो में बताया हूँ उसी तरीके से अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो 100% आप अपना मेडिकल क्वालिफाई कर पाएंगे।